धनिया पंजीरी का भोग कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के खास अवसर पे कान्हा जी को धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनिया पंजीरी के प्रसाद की खास रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम साबुत धनिया लिया है। इसे मैंने पहले अच्छे से धो के और धूप में अच्छे से सुखा लिया था। और अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, तो हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि धनिया से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और जब धनिया अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे बारीक पीस लेंगे। और अब हम कढ़ाई में गर्म करेंगे 1/4 कप घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बादाम। बादाम को घी में थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। तो यहाँ पे काजू को मैंने 3 से 4 टुकड़ों में से काट लिया है। काजू को भी हम घी में थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ता। पिस्ता को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। तो किशमिश को डाल के हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ नहीं भुना है क्योंकि सबका कुकिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, तो मैंने बारी बारी से सबको फ्राई किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया का पाउडर। धनिया को मैंने अच्छे से पीस के इसे अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद इस पाउडर को हम इस ड्राई फ्रूट में ऐड कर देंगे घी के साथ और इसे 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। 2 मिनट तक भून लेने के बाद हम इसे साइड में रख के ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री का पाउडर या फिर चीनी का पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 कप मिश्री का पाउडर ऐड किया है। आप अपने मिठास के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ नारियल और यहाँ पे मैंने मखाने ऐड किए हैं फ्राई किए हुए। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें कपूर का टुकड़ा ऐड कर देंगे इसका चूरा बना के। एकदम थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और उसके बाद हमें इस पंजीरी को अच्छे से मिक्स करना है। तो ऐसे हाथों से थोड़ा रब करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लें जिससे सारी चीज़ें एकदम आपस में मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है और अब हमारी ये पंजीरी जो है बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से घी और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें घी ज़्यादा पसंद है तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए हमारी धनिया पंजीरी बनके तैयार है। अगर आपको धनिया पंजीरी प्रसाद की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।